नमस्कार, मैं हूं आशीष जावी और आज एक बार फिर अपराधों के गलियारों से आपके लिए लेकर आया हूं एक खास पेशकश क्राइम अलर्ट। दोस्तों, आपने अक्सर फर्जी और गलत तरीके से लोगों को ठगने की अलग अलग वारदातें सुनी होगी, लेकिन आपको ठगी का एक ऐसा रूप भी दिखाते हैं जिसमें अपराधियों ने आम जनता से ठगी करने के लिए फर्जी आरटीओ अधिकारी बनकर लोगों से पैसे की वसूली की और धोखाधड़ी। जिले के महू किशनगंज थाना क्षेत्र में महू एडिशनल SP अमित तोलानी को खबर लगती है कि फर्जी आरटीओ अधिकारी बनकर शहर में आम जनता से धोखाधड़ी किया जा रहा है। जानकारी लगते ही एडिशनल SP ने सभी थानों पर सूचना दी। एडिशनल SP के निर्देश के बाद किशनगंज पुलिस ने फर्जी आरटीओ अधिकारी बनकर लोगों को ठगने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी बाहरी राज्यों से रजिस्टर्ड वाहनों को रोककर अवैध वसूली करता था। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, वहीं पुलिस ने आरोपी से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। किशनगंज की जो थाने की FRB है 30, जो मोबाइल पेट्रोलिंग करती है, तो उसको टेलीफोन पे जो मोबाइल फ़ोन पे सूचना मिली थी और एक व्यक्ति है जिसने सूचना दी थी, सौरभ पिता शिव कुमार शर्मा। ये एक्चुअली राउवास दोसा राजस्थान का रहने वाला है। इसने ये सूचना दी थी कि 4 लेन टोल के पास एक व्यक्ति जो है उसने उसको RTO बता करके उसके साथ चेकिंग करी और चेकिंग में उससे जो है 5,000 रुपये वसूल किए हैं, तो जो कागजात नहीं होने के नाम पे उससे वसूली करी थी। उसने टेलीफोन किया, यहाँ से FRB पहुँची, थाना किशनगंज की पुलिस पहुँची, उसको आसपास से राउंडअप किया और पकड़ने के बाद में फिर जब जानकारी ली गई तो ये पता लगा कि ये जो दीगर अपने मध्य प्रदेश के अलावा दीगर स्टेट के जो गाड़ियों के नंबर वाली गाड़ियाँ रहती हैं उनको अपना शिकार बनाता है, तो इसको पकड़ा है। जिसका नाम जो है आरोपी का नाम है तोसिफ पटेल, ये रहने वाला जो है बंजारी का है, निवासी बंजारी 4 लेन इंदौर। अब उससे जो है इसी प्रकार की और वारदातों के बारे में जब पूछताछ की गई तो अभी जनवरी में 28 जनवरी को एक वारदात हुई थी जिसमें कि नकली पुलिस वाला बनकर के और एक कोई किसान है जिसका नाम संदीप पिता गजराज सिंह पटेल है, जो कि भवानिया बुजुर्ग धर्मपुरी का था, फसल बेच के आ रहा था, इससे भी इसने पुलिस वाला बनकर के और इसी तरीके से 80,000 रुपये वसूल किए थे। उसकी स्वीकारोक्ति भी उसने करी है, तो दोनों मामलों में जो है रिकवरी की जा रही है और पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। और इसकी शोहरत भी यह है कि ये इसी प्रकार की वारदातें जो है करता रहा है, इसके गांव में और इसके रिश्तेदारी में भी ऐसा पता लगा है कि ये चोरी छिपे इस प्रकार से लोगों को शिकार बनाता है और वारदातें करता है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर आरोपी से पूछताछ कर रही है, कई और भी खुलासे हो सकते हैं। खैर, आज के लिए इतना ही। आपके आसपास ऐसे साथी बदमाशों के होने की आशंका पर आप नजदीकी थाने पर जरूर जाकर जानकारी दें। मिलेंगे दोबारा एक नई कहानी के साथ, एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए सावधान, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।